दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कैनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स, और उसमें कहानी चल रही है ओगर ऑफ बेलंदूर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि टाइगर, जिसको कि गड्ढा खोद के एंडरसन इंतजार कर रहे थे कि वो मारे गए आदमी के शव के पास में आएगा, वो टाइगर आया, लेकिन वहां पर एक टाइगर नहीं था, वहां पर आए थे दो टाइगर। एक टाइगर शिकार को खा रहा था, दूसरा ललचाई आंखों से देख रहा था, लेकिन खाने का मौका उसे नहीं दे रहा था ये दूसरा वाला टाइगर, जो कि था मैन ईटर। जब एंडरसन ने गड्ढे से निकल के अपनी राइफल से निशाना लेने की कोशिश की, तो पहले वाले टाइगर ने देख लिया जो ललचाई आंखों से देख रहा था, और उसके उठ के खड़े होने से इस टाइगर को भी मालूम चल गया कि यहां पर खतरा है। दोनों टाइगर भाग गए। अब वो जो टाइगर भाग के गया, वो उन दो हट्स के पास गया, और वहां पर एक ही हट के अंदर तीन लोग सो रहे थे, दो महिलाएं एक पुरुष। वो महिला जिसके पति को टाइगर ने मार दिया था, वो थोड़ी दूरी पर दीवार से सट के सो रही थी, कपल बीच में सो रहा था, और जो गांव की हट बनाई जाती थी वो जमीन से करीब 1 इंच ऊपर बनाई जाती थी ताकि दीमक लकड़ी पर चढ़ ना सके, यानी चारों तरफ से नीचे से हट खुली होती थी। उससे टाइगर ने सूंघ लिया और अपना पंजा डाल के इस औरत को बाहर खींच लिया, जो कि दीवार से सट के ही सो रही थी। लेकिन जब टाइगर ने उसे खींचा, पूरा नहीं खींच पाया, उसके पहले ही बांस घुस गया उस औरत की बॉडी में, सिर्फ गर्दन बाहर खींच पाया और थोड़ा छाती का हिस्सा। गर्दन को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया टाइगर ने, छाती को भी इस तरीके से तहस नहस कर दिया जैसे रिबन बिखरे हुए हो। गले से फूड पाइप बाहर आ गया था। लेकिन जब टाइगर ने उस महिला को मारा, और क्योंकि मरने से पहले ये महिला भी चिल्ला रही थी, अंदर वो कपल चिल्ला रहे थे, टाइगर डर के मारे भाग गया। लेकिन ये कपल इतने डरे हुए थे कि इन्हें मालूम ही नहीं चला कि सुबह हो गई है, उजाला हो गया है। और जब एंडरसन गड्ढे से निकल के हट की तरफ आए, तो उस कपल को लगा कि टाइगर वापस आ रहा है। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। अब एंडरसन ने जोर से आवाज से चिल्ला के बताया कि मैं हूं, तो वो कपल तेजी के साथ दरवाजे की तरफ भागे, उसे खोला और बाहर भागे चिल्लाते हुए और गिरते पड़ते। एक तरफ से उनको डर लग रहा था और एक तरह से उन्हें राहत भी मिल रही थी। जब एंडरसन ने काफी सांत्वना दी, ढांढस बंधाया, उसके बाद काफी टाइम लगा उन्हें संभलने में और अपनी रात वाली कहानी सुनाने में। अब एंडरसन उस हट के अंदर जाके मुआयना कर ही रहे थे, तभी स्टैनली और वो आदमी जिन्होंने गड्ढा खोदने में मदद की थी, वो लोग आ गए। स्टैनली पूरी रात जागे थे और वो इंतजार में थे कि कब एंडरसन की राइफल की आवाज उनके कानों तक पहुंचे, क्योंकि टगार थी, दूर था, लेकिन इतना दूर भी नहीं था कि राइफल की आवाज ना सुनाई दे। अब स्टैनली ने अंदाजा लगाया कि या तो टाइगर वापस नहीं आया है, और या फिर टाइगर ने एंडरसन को मार दिया है। क्या हुआ है देखने के लिए दौड़े दौड़े आए थे स्टैनली। अब एंडरसन ने पूछा कि पटेल की वाइफ कैसी है। स्टैनली ने कहा, वो तो सेफ है, तुम बताओ यहां क्या हुआ। तब एंडरसन ने सारा किस्सा उनको सुनाया। अब आगे का प्लान भी इन लोगों ने बना लिया। अब इन लोगों ने वो कपल जो कि हट में बच गए थे, उनको बाहर निकाला और बोला, तुम लोग गांव की इस पार्टी के साथ गांव जाओ। ये बात कहने के लिए उनको कुछ मान मनोवल नहीं करनी पड़ी, वो तो एक पैर पर राजी थे। अब तय हुआ कि एक हट में स्टैनली छुप जाएंगे, एक हट में उस महिला की डेड बॉडी के साथ एंडरसन रहेंगे। जनरली टाइगर अपने शिकार पर वापस आता है, लेकिन यहां पर वास्ता था मैन ईटर से, और टाइगर एक नहीं था, दो थे। इसलिए एक टाइगर से निपटने के लिए थे एंडरसन, और दूसरे से निपटने के लिए तैयार थे स्टैनली। अब इन्होंने बड़ी सावधानी के साथ प्लान बनाया था। पहली सुरक्षा यह थी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में फायर नहीं करेंगे, और दूसरा यह था कि अगर स्टैनली को टाइगर दिख भी जाता है तो वो फायर नहीं करेंगे तब तक जब तक मैन ईटर एंडरसन की हट में नहीं आ जाता, क्योंकि महिला की डेड बॉडी एंडरसन की हट में थी, इसलिए मैन ईटर तो वहीं आना था। और तय यह हुआ था कि जैसे ही एंडरसन गोली चलाएंगे मैन ईटर पर, डॉक्टर दूसरे टाइगर पर गोली चला देंगे अगर वो उनकी साइट में अभी भी है। ये प्रिकॉशंस बहुत जरूरी थे, क्योंकि अगर डॉक्टर ने पहले टाइगर देख लिया और उन्होंने गोली चला दी तो वो टाइगर तो मर जाएगा, लेकिन असली
जिसकी इनको तलाश है मैन ईटर, वो भाग जाएगा क्योंकि इन्हें पहले मारना था ओगर को। हालांकि दूसरे टाइगर को भी मारना था क्योंकि पहले ही एंडरसन बोल चुके थे कि दूसरा टाइगर भी उस मानव के शव को ललचाई आंखों से देख रहा था, यानी मानव का मांस खाना उसे भी पसंद है, तो उसका मरना भी जरूरी है, नियत है, यानी कि तय कर दिया गया है। अब एंडरसन रात भर नहीं सो पाए थे, डॉक्टर भी नहीं सो पाए थे, डॉक्टर लेकिन थोड़ा सा सो लिए थे क्योंकि उन्होंने पटेल की वाइफ का इलाज किया था। एंडरसन गड्ढे में बैठे थे, बिल्कुल नहीं सोए थे। तो यह तय हुआ एंडरसन गांव जाएंगे, लंच करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ी देर सोएंगे, फिर वहां से लंच, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेके यहां पर आएंगे। यहां ये लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, टॉर्च स्टेनली अपनी गन की बैरल में फिट करेंगे और फिर बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पोजीशन लेके। दिन में भी ये बारी बारी से गार्ड कर रहे थे कि कहीं टाइगर रात की जगह दिन में ही ना आ जाए। एक आइडिया और एंडरसन के दिमाग में आया, उन्होंने एक बैग लिया और उस जगह पे गए जहां उस आदमी की लाश पड़ी थी, जहां पर ये गड्ढा बना के बैठे थे। वहां जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको उन्होंने उस बैग में डाला और अपने साथ ले आए ताकि अगर टाइगर वहां जाए कुछ खाने तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वो हार कर यहीं पर आएगा। अब जब ये काम करने के लिए आदमियों से बोला गया तो उन आदमियों ने इनकार कर दिया क्योंकि वो सब लाश के टुकड़े उठाने से डर रहे थे। तो ये काम करना पड़ा एंडरसन और स्टेनली को। स्टेनली को तो कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि वो डॉक्टर थे, लेकिन एंडरसन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई उस बॉडी के पार्ट्स उठाने में जो बहुत ज्यादा बदबू मार रही थी। ना सिर्फ बदबू थी, मैगेट्स ने उसमें अंडे दे दिए थे, चारों तरफ मैगेट्स ही मैगेट्स थे। अब इन्होंने सारा कुछ उस बैग में इकट्ठा कर लिया, कोई भी इंसान उस बैग को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था और क्योंकि स्टेनली बूढ़े थे तो उसको उठा के लाए एंडरसन अपने कंधों पर। अब एंडरसन बोलते हैं कि ये टुकड़े उसके मालिक का कुछ भी नहीं थे क्योंकि ज्यादातर पार्ट टाइगर खा चुका था, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत भारी थे। अब एंडरसन के शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी क्योंकि कुछ लिक्विड भी निकल निकल के बैग से इनके ऊपर गिरा था। इनको बहुत तेजी से इच्छा हो रही थी नहाने की। अब इस बैग को एंडरसन ने पुलिस चौकी में गिरा दिया। पुलिस वाला प्रश्नवाचक निगाह से उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन उन प्रश्नों का जवाब एंडरसन क्यों देते, किस लिए देते? पुलिस वालों के सवाल होने थे कि इस बैग को वहां से क्यों हटाया, इन रिमेन्स को वहां से क्यों हटाया, क्या सबूत है कि इसको टाइगर ने ही मारा है, हो सकता है इसने आत्महत्या की हो। अब एंडरसन ने नहाया और क्या शानदार बात था, बोले मेरा वजन कुछ कम हो गया था। सर्वेंट जो कि डॉक्टर्स क्वार्टर में था उसको उन्होंने कहा पूरा गैलन भर के चाय बना लो। अब वो इतनी सारी चाय पी गए कि डॉक्टर के सर्वेंट ने कहा थोड़ी पेट में जगह छोड़िए, अभी आपको लंच भी करना है। और जब लंच करके ये टेबल से खड़े हुए तो मालूम चला कुछ भी लंच बचा ही नहीं है। सर्वेंट एंडरसन की तरह ऐसी निगाहों से देख रहा था कि मान गए उस्ताद, तुम्हारे जैसा खाऊ तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब एंडरसन ने कहा कि डॉक्टर के लंच की चिंता मत करो, तुम डिनर तैयार करो, मैं 3 मील्स एक साथ लेके जाऊंगा। अब उस सर्वेंट ने कहा कि जनाब डिनर तो मैं बना दूंगा, लंच बचा नहीं है, सारा आप ही खा गए। तो एंडरसन ने उसे कुछ पैसे दिए कि जाओ सामान खरीद के लाओ और लंच भी बनाओ, डिनर भी। अब जब सर्वेंट ने एंडरसन को उठाया, 3 बज चुके थे, खाना तैयार था, पैक किया गया था, 2 फ्लास्क थे, चाय भरी हुई थी, पानी भी भरा हुआ था। अब एंडरसन को खाली वो टॉर्च उठानी थी, बैग में रखनी थी, सामान अपने कंधों पे टांगना था और बढ़ चलना था उन हट्स की तरफ जहां इनको इंतजार था मैन ईटर का। जब ये हट पे पहुंचे तो डॉक्टर साहब बहुत भूखे थे, वहां टाइगर का कोई भी सुराग नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी लंच निगल लिया और ये डिसाइड किया गया कि चाय को बचा के रखेंगे रात के लिए। 4 बजे ये लोग अलग अलग हो गए, अपनी अपनी हट्स में पोजीशन ले ली। एंडरसन उस वाली हट में आ गए जिसमें उस औरत की डेड बॉडी पड़ी थी। अपना अपना खाना, अपनी अपनी चाय और अपना अपना पानी दोनों ने संभाल लिया था। उस औरत का शरीर वैसे ही छोड़ दिया गया था, आधा अंदर आधा बाहर। दीवार के दूसरे छोर पे एंडरसन बैठ गए थे पोजीशन लेके। एंडरसन को हैबिट थी क्रॉस लेग्स बैठने की, यानी पैर एक के ऊपर एक करके बैठने की, और वो बोलते हैं जब आप शिकार पर बैठो तो यही तरीका सबसे बेस्ट है। हल्की सी आवाज जंगल में जानवरों को सूचना दे देती है, और अगर आपका शिकार एक ऐसा जानवर है जिसके सूंघने, सुनने और देखने की शक्ति तेज है, और जब हवा का डायरेक्शन आपकी तरफ से
उसकी तरफ जा रहा हो तब तो और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। जितनी ज्यादा तेज हवा होगी उतनी ज्यादा जानवरों को खबर हो जाएगी अगर डायरेक्शन उनकी तरफ है, अगर उल्टी तरफ है तो फिर उनको खबर नहीं होगी। इसीलिए इंडिया में शिकारी हिरण का शिकार करने जब जाते हैं, जब बारिश होने वाली होती है तब जाते हैं। बारिश की बूंदों से हवा खुशबू को कैरी नहीं कर पाती, लेकिन जब ऐसी बारिश होती है तो टाइगर जैसे जानवर वो भी छांव में रुक जाते हैं, खुली बारिश में नहीं घूमते। अब जैसे कि टाइगर की सूंघने की क्षमता कम होती है लेकिन देखने और सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एंडरसन लापरवाह नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें मालूम था सिर्फ सूंघ के नहीं सुनकर भी वो इनको पता लगा सकता है। पिछली रात को टाइगर डर गया था, इस रात को वो बहुत ही सावधान होकर आएगा। और एक मैन ईटर हेल्पलेस विक्टिम और डिफेंसलेस विक्टिम को अलग से पहचान लेता है क्योंकि वो इतना चालाक हो चुका होता है। क्योंकि धूप डायरेक्ट डेड बॉडी पर नहीं पड़ रही थी इसलिए वो स्मेल नहीं मार रही थी, और हट के अंदर उतना बुरा एटमॉस्फेयर नहीं था जो एंडरसन पिछली रात भुगत के आए थे। अब दोपहर बहुत शांत थी क्योंकि कोई भी गांव वाला अपने पशु चराने के लिए नहीं आता था मैन ईटर के डर से। सिर्फ मक्खियां भिनभिना रही थी, डेड बॉडी पर बैठ रही थी और अपने अंडे दे रही थी। अब हट के अंदर काफी अंधेरा छा गया था लेकिन बाहर रोशनी उसके दरवाजों के अंदर से दिखाई दे रही थी। बाहर मोर की, जंगली मुर्गों की आवाज आ रही थी, उससे इनको आइडिया लग गया था कि अब शाम ढलने वाली है। इन्होंने अपने साथ लाया खाना खाया और चाय पी। अब मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज की जगह सुनाई दे रही थी सामर डियर की कॉल, स्टैग डियर कॉल कर रहा था और इनको मालूम चल चुका था कि बाहर रात हो चुकी है। अब बाहर नाइट हेरॉन बोल रहा था, रात इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था रात की वजह से, और ये इस बात पर डिपेंडेंट थे कि मैन ईटर अगर उस डेड बॉडी को खींचेगा तो इनको अपनी टॉर्च जला के देखना होगा। लेकिन टॉर्च जलाने में एक प्रॉब्लम थी कि अगर ये टॉर्च जलाते तो उसकी बीम का रिफ्लेक्शन दीवार पर पड़ता, दीवार से इनकी आईज पे आता और इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो एंडरसन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वो आखिरी छोर से बिल्कुल उस डेड बॉडी के नजदीक आ गए, बंदूक को उसी तरफ घुमा दिया। अब अगर मैन ईटर आता तो इनको केवल बैरल को हल्का सा घुमाना था, ट्रिगर दबा देना था। अब क्योंकि उस महिला की बॉडी में एक बांस गड़ा हुआ था इसलिए बिना उसकी बॉडी को हिलाए टाइगर उसे खींच नहीं सकता था। अब धीरे धीरे सरकते हुए और अपना खाने पीने का सामान लेके एंडरसन उस महिला की बॉडी के पास पहुंच गए और अपनी बंदूक को पोजीशन में ले लिया। इनका कंधा किसी ठंडी चीज और हार्ड चीज से टकराया, इन्होंने नोटिस किया वो उस महिला का पैर था, ये थोड़ा सा साइड में सरक गए। अब रात के 10 बज चुके थे, ये वो टाइम है जब टाइगर अपने शिकार पर वापस आता है, अगर लेपर्ड होता तो 6 से 7 बजे ही आ जाता। अब अचानक से उस महिला का पैर इनके कंधे पर फिर टकराया, इन्होंने सोचा क्या बात है, मरी महिला अपना पैर हिला रही है। और वो महिला वो अपना पैर नहीं हिला रही थी, वो अपने पैर से इनको धक्का दे रही थी। अब एंडरसन के रोंगटे खड़े हो गए, इन्हें बहुत डर लग रहा था, ये जितना दूर हट सकते थे उस महिला की बॉडी से उतना दूर हट गए। एंडरसन के माथे से पसीना छलक रहा था। फिर इन्हें समझ में आया कि महिला जीवित नहीं हुई है और ना ही अपने पैर हिला रही है, ये मैन ईटर है जो उसे खींच रहा है या धक्का दे रहा है। अब इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था तो इन्होंने फायर नहीं किया क्योंकि इस तरह से फायर करने से मैन ईटर भाग जाता। अब इनको स्क्रैचिंग साउंड सुनाई देने लगी थोड़ा राइट हैंड साइड पे, इनको लग रहा था कि अपनी टॉर्च जला के देखे। फिर इन्हें याद आया कि अगर टॉर्च जलाएंगे तो ये भी दिख जाएंगे मैन ईटर को, इन्होंने सोचा उसी तरफ फायर कर देता हूं जहां से स्क्रैचिंग साउंड आ रही है। अब उसके बाद एंडरसन ने बहुत ही बेवकूफी भरा कार्य किया, इन्होंने सोचा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, अपना हाथ बढ़ा के फील ही कर लेता हूं। तो अपना दाया हाथ उस तरफ बढ़ा दिया जहां से स्क्रैचिंग साउंड आ रही थी। अब जब इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो टटोलते हुए इन्हें कुछ बाल बाल से नजर आए, और जब इन्होंने ध्यान से टटोला तो इन्होंने पकड़ लिया था मैन ईटर का हाथ। मैन ईटर जिसने पिछली रात उस औरत को खींच नहीं पाया था बाहर, वो बड़ी ही सावधानी के साथ अपना पंजा अंदर बढ़ा रहा था, सोच रहा था कहीं सॉलिड जगह पर ग्रिप आ जाए तो खींच लूं अपने पावरफुल हाथों से। अब जैसे ही इनका हाथ टाइगर के हाथ को टच हुआ, टाइगर समझ गया कि अंदर कोई ना कोई तो है जो जिंदा है। अब नॉर्मल टाइगर होता
तो इतनी सी हरकत पे भाग जाता। लेकिन ये था मैन ईटर और था ओगर, ये जोर से दहाड़ा और अपने हाथों से उस हट की दीवार को फाड़ने की कोशिश करने लगा। अब इसके बाद एंडरसन का काम आसान हो गया था। उस टाइगर ने काफी हिस्सा तोड़ दिया था, इन्होंने टॉर्च जलाई, सामने था टाइगर का चेहरा, मुंह में था दीवार का हिस्सा। अब बिल्कुल कुछ इंच की दूरी पर टाइगर था, इन्होंने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और .405 विंचेस्टर की गोली नहीं चुकी अपने निशाने से, सीधा धस गई टाइगर के गले में। इसके बाद एंडरसन रोल होते हुए दीवार के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अब ओगर उस छेद के अंदर ही आ रहा था, एंडरसन ने दो शॉट्स और मार दिए। अब ओगर अंदर आ गया था, एंडरसन ने दरवाजा खोला, जल्दी से कूद के बाहर निकले। अब जैसे ही ये बाहर निकले, देखा वहां पर एक और टाइगर था, लेकिन वो टाइगर जिंदा नहीं था, जमीन पर लेटा था, उसे स्टैनली ने मार दिया था। जैसे ही इनकी बंदूक चली थी वैसे ही स्टैनली ने भी फायर कर दिया था, लेकिन अपनी बंदूकों की आवाज में एंडरसन दूसरी बंदूक की आवाज सुन ही नहीं पाए। पॉइंट ब्लैंक रेंज से स्टैनली ने भी उसे मारा था। अब डॉक्टर ने किस्सा बताया कि जैसे ही इनकी बंदूक चली, शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई दी, ये दरवाजा खोल के बाहर आए, जो कि इनका एग्रीमेंट नहीं था कि एक दूसरे को बचाना है। लेकिन जैसे ही बाहर आए, देखा एक टाइगर खड़ा है भौचक्का सा, क्योंकि उसका साथ ही मर रहा था और इसको नहीं मालूम था करना क्या है। इनकी दोनों बैरल भरी थी लीथल बॉल से, इन्होंने दोनों ट्रिगर दबा दिए, दोनों बैरल चली और वो टाइगर वहीं मर गया। जैसा कि इनको शक था, मैन ईटर थी फीमेल और दूसरा था उसका मेट। अब अगले दिन उत्सव मनाया गया टगारथी में, और जब यह खबर बेलुंदूर पहुंची, बोधिया भी खुशी से नाचने लगा कि मैंने ही मरवाया है टाइगर को। बोला, मैंने कहा था ना, मेरे मंत्र टाइगर को बंदूक के ऊपर ला के छोड़ेंगे, और एक नहीं दो दो टाइगर आ गए। अब बुधिया की रेपुटेशन फिर से बन गई थी, उसे बहुत सारे मुर्गे मिल गए थे, बहुत सारी अरक मिल गई थी, और जब एंडरसन उसे धन्यवाद देने पहुंचे तो ऑलमोस्ट तो बुधिया पी के धुत पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से समाप्त हुई कहानी ओगर ऑफ बेलुंदूर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।